There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi. वित्त मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बात की पोंजी ऐप्स के बारे में। एक बार सुनने में इतना तो समझ आ ही जाता है कि बात फर्जी ऐप्स की हो रही है, और ये बात वित्त मंत्री कर रही हैं, तो मामला जरूर पैसे से जुड़ा है। लेकिन ये पोंजी ऐप्स या पोंजी स्कीम होती क्या है, इसका ये अजीब नाम पड़ा कैसे, ये सब जानना भी खासा दिलचस्प है। याद कीजिए अनुराधा को। नहीं नहीं, ये तो काफी सीधी सादी थी। हाँ, ये वाली वही अनुराधा जो 21 दिन में पैसा डबल कर रही थी। ये कहानी फिल्मी भले हो, लेकिन रियल लाइफ में भी इससे मिलती जुलती कई कहानियां प्ले आउट हो रही हैं। बल्कि मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ऐसी पोंजी स्कीम्स चलाना और भोले भाले लोगों को झांसे में लेना और आसान हो गया है। मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल सीधा सरल है। नए फंसे निवेशकों से पैसा लो और पुरानों को दो। उदाहरण के लिए, अजय से पैसा लिया, विजय को दिया, विजय का पैसा संजय को और संजय का पैसा दिग्विजय को। अब ये कड़ी तभी टूटेगी जब नए निवेशकों का जुड़ना बंद हो जाए। इसी को कहा जाता है पोंजी स्कीम। ऐसी कई मोबाइल ऐप्स हैं जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट या गेंस का वादा करने वाली स्कीम्स चलाती हैं और आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल देती हैं। लेकिन इसे पोंजी ही क्यों कहा जाता है, ये नाम पड़ा कैसे, इसके लिए करीब 100 साल पीछे जाना होगा। अमेरिका में एक महाशय हुआ करते थे, इटली से यूरोप आए थे, दिमाग के तेज थे। 1920 में उन्हें सूझी एक स्कीम। उन्होंने बाकायदा एक कंपनी खोली, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनी। स्कीम क्या थी, कंपनी आपके निवेश पर 90 दिन में 50% का ब्याज दे रही थी। और जैसा हमने पहले बताया, ये साहब पॉल से पैसे लेते थे, पीटर को देते थे, पीटर का पैसा फ्रेड को, और ये कड़ी बढ़ती जाती थी। बॉस्टन के लोगों को उन्होंने इसी फॉर्मूले का लालच दिया और महज 8 महीने के अंदर करीब 40,000 लोगों से $15 मिलियन जमा कर लिए, यानी आज के करीब $220 मिलियन और भारतीय करेंसी में 1760 करोड़ रुपए। ठगी का ये तरीका और रफ्तार इतने पॉपुलर हुए कि उस शख्स के नाम से ही इसकी पहचान हो गई। जी बिल्कुल ठीक समझे, शख्स का नाम था चार्ल्स पोंजी, और इस तरह का तरीका जाना जाने लगा पोंजी स्कीम के नाम से। मजे की बात यह है कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने इसी तरीके से दुनिया के कई हिस्सों में ठगी की, लेकिन क्रेडिट मिला चार्ल्स पोंजी को। अगर आप भी किसी ऐसी पोंजी स्कीम के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।